हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने वो क्लासे नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप जाकर वो क्लासे देख सकते हो। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान के गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम गुज्जर प्रतिहार वंश के परिचय के बारे में बात करते हैं कि गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन काल क्या रहा, गुज्जर प्रतिहार वंश का मूल स्थान क्या था, मतलब राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ राज किया करते थे। तो दोस्तों, गुज्जर प्रतिहार वंश का जो शासन काल माना जाता है, गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन काल तो दोस्तों, गुज्जर प्रतिहार वंश का जो शासन काल रहा है वो सातवीं शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी तक रहा है। यानी दोस्तों, गुज्जर प्रतिहार वंश ने सातवीं शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी तक राज किया है। और दोस्तों, जो गुज्जर प्रतिहार वंश का जो मूल स्थान माना जाता है वो मारवाड़ को माना जाता है। तो गुज्जर प्रतिहार वंश का मूल स्थान गुज्जर प्रतिहार वंश का मूल स्थान मारवाड़ को माना जाता है। माना जाता है यानी कि दोस्तों, गुज्जर प्रतिहार वंश ने सर्वप्रथम मारवाड़ में अपना राज्य स्थापित किया था। और दोस्तों, जो गुज्जर प्रतिहार वंश में जो गुज्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक है, गुज्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है, यानी कि दोस्तों, जो गुज्जर प्रतिहार वंश में जो गुज्जर जाति का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो उल्लेख कहाँ मिलता है। तो गुज्जर जाति का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो दोस्तों एक अभिलेख है, ठीक है, ऐहोल अभिलेख। क्या है? ऐहोल अभिलेख। दोस्तों, इस अभिलेख में सर्वप्रथम गुज्जर जाति का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, ये अभिलेख है, ये किसका अभिलेख है? तो दोस्तों, ये अभिलेख है जो बादामी राज्य चालुक्य नरेश पुलकेशिन का अभिलेख है। दोस्तों, ये ऐहोल अभिलेख बादामी राज्य चालुक्य नरेश पुलकेशिन का अभिलेख है। तो दोस्तों, ये कहाँ के थे? तो दोस्तों, ये कर्नाटक के थे। यानी कि दोस्तों, बादामी राज्य चालुक्य नरेश पुलकेशिन का ये ऐहोल अभिलेख है। और इसी अभिलेख में गुज्जर प्रतिहार वंश में जो गुज्जर जाति का जो सर्वप्रथम अभिलेख मिलता है ये इसी अभिलेख में मिलता है। और बाद में गुज्जर जाति का उल्लेख बाद में गुज्जर जाति का उल्लेख जाति का उल्लेख एक तो नीलगुंठ में भी इस गुज्जर जाति का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और दूसरा है देवली, इसमें भी गुज्जर जाति का उल्लेख मिलता है। तीसरा है रामनपुर, इसमें भी गुज्जर जाति का उल्लेख मिलता है। और चौथा है करहाड़ में भी गुज्जर जाति का उल्लेख मिलता है। यानी कि दोस्तों, गुज्जर प्रतिहार वंश का जो शासन काल रहा है वो सातवीं शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी तक रहा है। यानी कि इन्होंने सातवीं शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी तक राज किया है। और दोस्तों, जो गुज्जर प्रतिहार वंश का जो मूल स्थान माना जाता है वो मारवाड़ को माना जाता है। यानी कि सर्वप्रथम इन्होंने मारवाड़ में अपना राज्य स्थापित किया था। और दोस्तों, गुज्जर प्रतिहार वंश में जो गुज्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो दोस्तों सर्वप्रथम उल्लेख वो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। और दोस्तों, जो ये अभिलेख है ऐहोल अभिलेख ये किसका है? बादामी राज्य चालुक्य नरेश पुलकेशिन का अभिलेख है, जो कर्नाटक के राज्य थे। इनका अभिलेख में दोस्तों गुज्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। बाद में दोस्तों, गुज्जर जाति का उल्लेख
निरगुंड, देवली, रामनपुर और कराड़ में भी इस गुज्जर जाति का उल्लेख मिलता है। और दोस्तों गुज्जर बतियार वंश की मोहनोत एजेंसी ने 26 शाखाएं बताई हैं। मोहनोत एजेंसी ने गुज्जर बतियार की वंश की छब्बीस शाखाएं बताई हैं। कितनी शाखाएं बताई दोस्तों? 26 शाखाएं बताई हैं गुज्जर बतियार वंश की मोहनोत एजेंसी ने। 26 शाखाएं बताई हैं जिसमें दो शाखा हमारे राजस्थान में थी, ठीक है। एक तो मंडोर शाखा, राजस्थान में थी और एक है भीनमाल शाखा, ये दोनों शाखा हमारे राजस्थान में थी। मोहनोत एजेंसी ने गुज्जर बतियार वंश की 26 शाखा बताई हैं, उसमें से राजस्थान में हमारे दो शाखा हैं, एक तो मंडोर शाखा, एक भीनमाल शाखा। अब दोस्तों आगे हम गुज्जर बतियार वंश की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब दोस्तों हम गुज्जर बतियार वंश की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, यानी कि दोस्तों अलग अलग इतिहासकार गुज्जर बतियार वंश के बारे में क्या बोलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आरसी मजुमदार के अनुसार गुज्जर बतियार वंश स्वयं को भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, यानी कि गुज्जर बतियार वंश स्वयं को भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। तो भगवान लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, दोस्तों ऐसे मजुमदार के अनुसार जो गुज्जर बतियार वंश है वो स्वयं को भगवान लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। और दोस्तों डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुजरात क्षेत्र में निवास करने के कारण इनको गुज्जर कहा है। दोस्तों डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो गुज्जर बतियार वंश है जो गुजरात क्षेत्र में निवास करने के कारण इनको गुज्जर कहा है, यानी कौन कहता है दोस्तों? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये बोलते हैं कि ये गुजरात क्षेत्र। तो दोस्तों गुजरात क्षेत्र कौन सा कहलाता है, यानी कि राजस्थान और गुजरात के मध्य में जो क्षेत्र कहलाता है वो मारवाड़ वाला, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, वो इसमें आ जाएगा हमारा जोधपुर और जैसलमेर वाला इलाका है ना, वो दोस्तों गुजरात क्षेत्र कहलाता था पहले। इसलिए दोस्तों गुज्जर बतियार वंश को इसलिए गुज्जर कहा गया है, ऐसा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बोलते हैं। और दोस्तों आरएमसी मजुमदार क्या बोलते हैं कि गुज्जर बतियार वंश स्वयं को भगवान लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, यह मत आरसी मजुमदार का है, ठीक है। और दोस्तों कवि चंद्रपरदाई के अनुसार गुज्जर बतियार वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि ने राक्षसों का विनाश करने के लिए यहाँ पर एक यज्ञ करवाया था। राक्षसों का विनाश करने के लिए यहाँ पर एक यज्ञ करवाया था वशिष्ठ ऋषि ने,
और इस यज्ञ में से, इस यज्ञ में से चार राजपूत जातियां उत्पन्न की थी। उसमें पहला आता है प्रतिहार, प्रतिहार, दूसरा आता है परमार, और तीसरा है चालुक्य, और चौथा है चौहान। ये कवि चंद्र बारदाई बोलते हैं कि अबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि ने यहाँ पर एक यज्ञ करवाया था, और इन यज्ञ में से चार राजपूत जातियां उत्पन्न की थी, यानी कि एक तो प्रत्याहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और दोस्तों, और दोस्तों कवि चंद्रबाई बोलते हैं कि जो प्रत्याहार की उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है, ऐसा कवि चंद्रबाई बोलते हैं। तो दोस्तों कवि चंद्रबाई क्या बोलते हैं, कवि चंद्रबाई बोलते हैं कि गुज्जर, प्रत्याहार, वंश की उत्पत्ति, उत्पत्ति अग्निकुण से हुई है, अग्निकुण से हुई है, ये कवि चंद्र बारदाई बोलते हैं, अग्निकुण से हुई है। और दोस्तों डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर, दोस्तों डॉक्टर भंडारकर बोलते हैं कि गुजर प्रत्याहार वंश गुजरों की संतान है, गुजरों की संतान है, संतान है। लेकिन दोस्तों ये गुजरों की संतान है, लेकिन ये विदेशी गुजर की संतान है, ऐसा कौन कौन बोलते हैं दोस्तों, डॉक्टर भंडारकर, विदेशी, विदेशी गुजरों की संतान है, विदेशी गुजरों की संतान है। संतान है, संतान है, यानी कि दोस्तों गुजर प्रत्याहार वंश की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत बताते हैं। तो आर सी मजुमदार के अनुसार गुजर प्रत्याहार वंश स्वयं को भगवान लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, ठीक है। दोस्तों डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये गुजरात क्षेत्र में निवास करने के कारण इनको गुजर कहा है, ऐसा कौन बोलते हैं दोस्तों, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। और दोस्तों जो गुजरात क्षेत्र कौन सा कहलाता है, जो गुजरात और राजस्थान के मध्य जो क्षेत्र कहलाता है वो गुजरात क्षेत्र कहलाता है, और सबसे पहले ये यहीं पर निवास करते थे इसलिए इनको गुजर कहा है, ऐसा गोपीनाथ शर्मा बोलते हैं। और कवि चंद्रबाई क्या बोलते हैं कि दोस्तों गुजर प्रत्याहार वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, कि यहाँ पर अबू पर्वत और वशिष्ठ ऋषि ने राक्षसों का विनाश करने के लिए यहाँ पर एक यज्ञ करवाया था, और इन्हीं यज्ञ में से चार राजपूत जातियाँ उत्पन्न की थी। उसमें पहला प्रत्याहार, परमार, चालुक्य, चौहान। तो दोस्तों यही प्रत्याहार हैं जो अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई थी, तो ये कवि चंद्रबाई बोलते हैं। और दोस्तों डॉक्टर भंडारकर बोलते हैं कि गुजर प्रत्याहार वंश गुजरों की संतान है, लेकिन ये विदेशी गुजरों की संतान है, ऐसा डॉक्टर भंडारकर बोलते हैं। और दोस्तों गुजर प्रत्याहार वंश की उत्पत्ति के बारे में और आगे बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। और दोस्तों गुजर प्रत्याहार वंश की उत्पत्ति के बारे में कैनेडी मुद्दे क्या बोलते हैं, कैनेडी मुद्दे, कैनेडी मुद्दे क्या बोलते हैं। तो दोस्तों कैनेडी मुद्दे बोलते हैं कि गुजर प्रत्याहार वंश है जो ईरानी मूल का बताया है, यानी कि इन्होंने ईरानी मूल का बताया है, ईरानी मूल का बताया है, यानी कि दोस्तों जो गुजर प्रत्याहार वंश है वो ईरान से आए हैं, ईरानी मूल का बताया है। तो दोस्तों ईरानी मूल का किसने बताया है, ये कैनेडी मुद्दे ने बताया है, यानी कि गुजर प्रत्याहार वंश है वो ईरानी देश से आए हैं, ऐसा कैनेडी मुद्दे बताते हैं। और दोस्तों अरबी यात्री, अरबी यात्री अलम सुदीने गुजर प्रत्याहार वंश के बारे में क्या बोला है, अरबी यात्री अलम सुदीने गुजर प्रत्याहार वंश को, गुजर प्रत्याहार वंश को, वंश को अल गुजर कहा है, क्या कहा है, अल गुजर कहाँ हैं, अल गुजर कहाँ हैं, कहाँ हैं, अल गुजर कहाँ हैं। और दोस्तों गुजर प्रत्याहार वंश के जो राजा हैं, राजा को बोरा कहाँ हैं, राजा को, राजा को बोरा कहाँ हैं, बोरा कहाँ हैं, यानी कि अरबी यात्री अलम सुद्दीन ने गुजर प्रत्याहार वंश को अल गुजर कहाँ हैं, कि ये अल गुजर हैं। और दोस्तों इनको राजा को बोरा कहाँ हैं, ठीक है।
तो दोस्तों ये ध्यान में रखना, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अल गुजर किसने कहा था, तो दोस्तों ये हमारे अरबी यात्री अलमसुद्दीन ने कहा है। ठीक है दोस्तों, अरबी यात्री हो गया। और दोस्तों भारत में हमारे एक चीनी यात्री भी आया था, चीनी यात्री भारत में एक चीनी यात्री भी आया था, उसका नाम है ह्वेनसांग। दोस्तों ह्वेनसांग यानी दोस्तों चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत में आया था, और दोस्तों भारत में इन्होंने मोहितर देशों का उल्लेख किया है। अब चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी किताब में मोहितर देशों का उल्लेख किया है, और उसमें से एक गुजर राष्ट्र कुचे लोग का उल्लेख किया है। यानी कि चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत में आया था, और भारत में इन्होंने 72 देशों का उल्लेख किया है, उसमें से एक गुजर राष्ट्र कुचेला का उल्लेख किया है। और इस गुजराष्ट्र की राजधानी भीनमालको पिलो मोलो बताया है। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग बहुत देशों का उल्लेख किया था, उसमें से गुजराष्ट्र कुचेलो का उल्लेख किया था। ठीक है, गुजराष्ट्र गुजरपतिया वंश के बारे में बताया गया है, कुचेलो का उल्लेख किया है, और इस गुजराष्ट्र की राजधानी भीनमाल को बताया, और भीनमाल को इन्होंने पिलो मोलो कहा है। ठीक है, पिलो मोलो कहा है। ठीक है, यानी कि दोस्तों गुजरपतिया वंश की उत्पत्ति के बारे में केनली मोदे ईरानी मूल का बताया इन्होंने, और अरबी यात्री अलमसुद्दीन ने गुजरपतिया वंश को अल गुजर कहा है। ठीक है, ये अल गुजर यहाँ पर अल गुजर कहा है, और राजा को इन्होंने बोरा कहा है, ये किसने कहा था, अलमसुद्दीन ने। और चीन यात्री ह्वेनसांग भारत में आया था, और 72 देशों का इन्होंने उल्लेख किया था, उसमें से एक देश हमारे गुजराष्ट्र कुचेलो का उल्लेख किया था, वो इस गुजराष्ट्र की राजधानी भीनमाल को पिलो मोलो बताया है। ठीक है, इन्होंने पिलो मोलो कहा है भीनमाल को। अब दोस्तों हम गुजरपतिया वंश के बारे में और आगे बढ़ते हैं, इसको मैं बताता हूँ। अब दोस्तों हम गुजरपतिया वंश के जो शासकों के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि इन गुजरपतिया वंशों की जो शासकों की जानकारी मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है, यानी कि दोस्तों इन गुजरपतिया वंश की जो वंशावली मिलती है वो हमें इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों गुजरपतिया वंश की जो शासकों की जो वंशावली यानी कि जो शासकों की जो जानकारी मिलती है वो हमें दो अभिलेखों से मिलती है। तो गुजरपतिया वंश की शासकों की जानकारी हमें दो शिलालेख से मिलती है, दो शिलालेखों से मिलती है। यानी कि दोस्तों गुजरपतिया वंश की जो शासकों की जानकारी मिलती है वो हमें दो शिलालेखों से मिलती है। दोस्तों एक तो बाउक प्रशस्ति और दूसरा है दोस्तों गटियाला शिलालेख। दोस्तों बाहुक प्रशस्ति, इसको प्रशस्ति भी बोल सकते हैं और इसको अभिलेख भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रशस्ति और अभिलेख दोनों एक जैसे होते हैं, यानी कि दोस्तों प्रशस्ति में जिसकी राजा की प्रशंसा लिखी हो वो प्रशस्ति कहलाता है। ठीक है, और शिलालेख यानी कि दोस्तों किसी पत्थर पर लिखा गया लेख शिलालेख कहलाता है, और प्रशस्ति भी दोस्तों पत्थर पर लिखी जा सकती है, लेकिन दोस्तों इसमें इसकी प्रशंसा लिखी जाती है, किसी राजा की प्रशंसा लिखी जाती है कि मैंने वो काम किया, ये काम किया, वो काम किया,
दोस्तों ये क्या गलत है, इसकी प्रशस्ति कहलाती है। अभिलेख में दोस्तों किसी पत्थर पर लिखा गया लेख वो शिला लेख कहलाता है, ठीक है। और दोस्तों एक होता है स्तंभ लेख, तो दोस्तों एक स्तंभ नुमा जो पत्थर होता है उस पर लिखा गया लेख स्तंभ लेख कहलाता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसको हम प्रशस्ति बोल सकते हैं और अभिलेख भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इन शिलालेखों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हर बार इन दोनों शिलालेखों में से एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों बाहुक प्रशस्ति, तो दोस्तों बाहुक प्रशस्ति किसने लिखवाई थी, बाहुक नामक राजा ने लिखी थी। बाहुक यानी गुजर बतियार वंश में कोई एक राजा हुआ करता था बाहुक, इसने ये प्रशस्ति लिखाई थी, बाहुक राजा ने लिखवाई थी इस प्रशस्ति को। और दोस्तों घटियाला शिलालेख किसने लिखवाया था, तो दोस्तों बाहुक का एक भाई था, छोटा भाई कुकुक, कुकुक कुकुक ने ये शिलालेख लिखवाया था, कुकुक ने लिखवाया था लिखवाया था। बाहुक प्रशस्ति किसने लिखवाई थी, बाहुक नामक राजा ने लिखवाई थी। वो घटिया शिलालेख किसने लिखवाया था, कुकुक ने, यानी बाहुक का भाई छोटा भाई था कुकुक, इसने ये लिखवाया था, ठीक है। पहले दोस्तों इसने राज किया, उसके बाद इसने राज किया था, तो पहले ये प्रशस्ति थी, ये प्रशस्ति 837 ईस्वी की है, बाहुक प्रशस्ति 837 ईस्वी की है। और ये घटियाला शिलालेख है ये 861 ईस्वी का है, 861 ईस्वी का है, ठीक है। बाहुक नामक राजा ने बाहुक प्रशस्ति लिखवाई थी, कब लिखवाई थी, 837 ईस्वी में। घटियाला शिलालेख 68 में लिखवाया था, किसने लिखवाया था, बाहुक का भाई था कुकुक, इसने ये 68 में घटियाला शिलालेख लिखवाया था। और दोस्तों बाहुक प्रशस्ति में गुजर प्रतिहार वंश का जो मूल पुरुष यानी कि उसका जो संस्थापक, गुजर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक यानी मूल पुरुष राजा हरिश्चंद्र से लेकर बाहुक राजा तक राजाओं की वंशावली इसे बाहुक प्रशस्ति में मिलती है। यानी कि दोस्तों हरिश्चंद्र से लेकर राजा हरिश्चंद्र गुजर प्रतिहार वंश का जो मूल पुरुष था, हरिश्चंद्र से लेकर बाहुक बाहुक राजा तक वंशावली इसमें मिलती है, वंशावली मिलती है। यानी दोस्तों बाहु प्रशस्ति में हरिश्चंद्र से लेकर बाहु राजा तक वंशावली इसे बाहु प्रशस्ति मिलती है। और दोस्तों जो बाहु प्रशस्ति है ये पहले मंडोर के विष्णु मंदिर में हुआ करती थी, लेकिन जब बाद में जोधपुर शहर का जब कोर परकोटा बनाया जा रहा था, तो दोस्तों यहाँ से मंडोर से पत्थर ले जा रहे थे लोग, तो दोस्तों मंडोर से पत्थर ले जा रहे थे तब यहाँ लोगों के हाथ में ये प्रशस्ति हाथ में आई। तो किसी इतिहासकार ने बताया गया, अरे यार ये तो किसी बाहुक नामक राजा की प्रशस्ति है, वो इसमें हरिश्चंद्र से लेकर बाहुक तक राजा के इनकी वंशावली मिली हुई है। बाद में इस प्रशस्ति को जोधपुर दुर्ग के परकोटे में लगा दी गई है। पहले ये प्रशस्ति विष्णु मंदिर में थी, और अभी ये कहाँ पर है, अभी ये जोधपुर दुर्ग के परकोटे में लगाई हुई है, ठीक है। यानी कि दोस्तों बाहुक प्रशस्ति बाहुक नामक राजा ने लिखवाई थी, कब लिखवाई थी, 37 में। और दोस्तों इस प्रशस्ति में राजा हरिश्चंद्र से लेकर गुजर प्रतिहार वंश का जो मूल पुरुष राजा हरिश्चंद्र से लेकर बाहुक राजा तक वंशावली मिलती है। और दोस्तों इस प्रशस्ति में और हमें क्या जानकारी मिलती है, तो इस प्रशस्ति में हमें विष्णु और शिव की जानकारी मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको बाहुक प्रशस्ति अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं घटियाला शिलालेख के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों हम घटियाला शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब दोस्तों हम घटियाला शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं, घटियाला शिलालेख, घटियाला शिलालेख, शिलालेख। दोस्तों घटियाला शिलालेख किसने लिखवाया था, राजा कक्कुन ने लिखाया था, राजा कुकुक ने लिखवाया था, कुकुक ने लिखवाया था। यानी घटियाला शिलालेख किसने लिखवाया था, राजा कुकुक ने लिखवाया था, ने लिखवाया था, लिखवाया था, ठीक है। और दोस्तों घटियाला शिलालेख कहाँ कहाँ पर है, तो दोस्तों ये घटियाला गांव जोधपुर में स्थित है, घटियाला गांव, घटियाला गांव जोधपुर में, जोधपुर में स्थित है, घटियाला गांव जोधपुर में ये घटियाला शिलालेख राजा कुकुक ने लिखवाया था। वो दोस्तों राजा कुकुक कौन था,
ये बहू का भाई था और नमक राजा का भाई था। और दोस्तों जो गटियाला जिला लेके वो दो स्थान पर मिले हैं, एक तो दोस्तों माता की साल नामक स्थान पर ये शिला लेख मिला है। और दोस्तों दूसरा शिला लेख मिला है वो है खाकू देवल, यानी इसी गांव में इस माता की साल नामक स्थान पर से थोड़ी दूर खाकू देवल, खाकू देवल नामक स्थान पर ये शिला लेख मिला है नामक स्थान पर स्थान पर शिलालेख। कटियाला शिलालेख दो स्थान से मिला है, कटियाला गांव में मिला है, लेकिन दोस्तों एक तो माता की साल नामक स्थान पर एक शिलालेख मिला है और दूसरा शिलालेख खाकू देवल नामक स्थान, यानी इसी से कुछ दूरी पर खाकू देवल नामक स्थान है, इस स्थान से यह शिलालेख मिला है। दोस्तों माता की साल नामक स्थान पर, यानी कि दोस्तों माता जी का मंदिर है उसे माता की साल बोलते हैं, इस स्थान से एक शिलालेख मिला है कटियाला शिलालेख। ठीक है, इस शिलालेख में दोस्तों इस शिलालेख को वास्तव में पढ़ने पर पता चला है कि यह मंदिर है जो ककु नामक राजा ने बनवाया था और ये एक जैन मंदिर था, बाद में दोस्तों इसे माता जी का मंदिर बना दिया गया था, यानी कि पहले यह जैन मंदिर था। ठीक है, ये किसने लिखवाया था, राजा ककु ने लिखवाया था ये शिलालेख, राजा ककु ने लिखवाया था, राजा ककुक ने, ककुक ने लिखवाया था, लिखवाया था। और ये मंदिर पहले कौन सा था, जैन मंदिर था, बाद में इसे माता की साल कहने लगे। और दोस्तों ये शिलालेख है ककु ने लिखवाया था, ये प्राकृत भाषा का है, ये प्राकृत भाषा का है ये शिलालेख, यह प्राकृत भाषा का शिलालेख है जो माता की साल नामक स्थान पर मिला शिलालेख है वो प्राकृत भाषा का शिलालेख है। और दोस्तों इस शिलालेख में जो अंतिम श्लोक है, अंतिम श्लोक राजा ककुक ने खुद लिखा था। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस माता की साल नामक स्थान से एक शिलालेख मिला है, इस शिलालेख को राजा ककुक ने लिखवाया था और ये प्राकृत भाषा का शिलालेख है। और दोस्तों इस जो लेख शिलालेख है, इस शिलालेख में जो अंतिम श्लोक है ना, ये राजा ककुक ने खुद लिखा था, अंतिम श्लोक राजा ककुक ने लिखा था। और दोस्तों इस शिलालेख में हमें प्रत्याहार शासकों की, गुजर प्रत्याहार शासकों की वंशावली मिलती है, गुजर प्रत्याहार शासकों की वंशावली मिलती है, वंशावली मिलती है किसमें, माता की साल नामक स्थान पर जो शिलालेख मिला है इसमें गुजर प्रत्यार वंशों के शासकों की वंशावली मिलती है, जो राजा हरिश्चंद्र से लेकर राजा ककुक तक इनकी जानकारी मिलती है। और दोस्तों इस शिलालेख में कटियाला गांव को रोहिंसकूप नाम बताया है, रोहिंसकूप बताया है, यानी कि दोस्तों माता की साल नामक स्थान पर राजा ककु ने यह शिलालेख लिखवाया था, यह प्राकृत भाषा का शिलालेख है और इसका जो अंतिम शिलालेख का जो अंतिम श्लोक है वो राजा ककु ने खुद लिखा था। और इस शिलालेख में गुजर प्रत्यार वंशों की वंशावली मिलती है। और इस शिलालेख में जो गटियाला गांव है इसको इस शिलालेख में रोहिंसकूप नाम बताया है। और दोस्तों बात करते हैं जो खाकू देवल नामक स्थान पर जो शिलालेख मिला है इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है, तो दोस्तों जो खाकू देवल नामक स्थान पर जो शिलालेख मिला है यह संस्कृत भाषा का शिलालेख है। ठीक है दोस्तों, ये संस्कृत भाषा का शिलालेख है, संस्कृत भाषा का शिलालेख है। खाकू देवल नामक स्थान पर जो शिलालेख मिला है ये संस्कृत भाषा का शिलालेख है। और दोस्तों इसमें चार भाग हैं, इस शिलालेख में चार भाग हैं, जो दोस्तों जो प्रथम भाग है वो प्राकृत भाषा का संस्कृत में अनुवाद है, जो ये शिलालेख है ना दोस्तों प्राकृत भाषा का इसी का सेम कॉपी किया हुआ है, इस प्रथम भाग में इस प्राकृत भाषा को संस्कृत भाषा में परिवर्तित किया गया है, यानी कि दोस्तों इस शिलालेख को संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट किया गया है इस प्रथम भाग में। और दोस्तों जो बाकी की जो तीन भाग हैं इसमें राजा ककु की जानकारी मिलती है कि राजा ककु ने कौन कौन से क्या क्या कार्य करा है और इनकी जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है,
तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बहुत परेशान से बताई वो भी आपको समझ में आ गई होगी, और गठियाला शिलालेख बताया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों जो गुजर बतियार वंश की जो वंशावली मिलती है इन दोनों शिलालेख से मिलती हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे क्लास में हम गुजर बतियार वंश के जो शासकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।